हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज आ रहे हैं हम अपनी स्कोडा लोरा या मार्क टू ऑक्टेविया को लेके इसके पहले परफॉर्मेंस अपग्रेड कराने के लिए, और ये काफी ज्यादा डिमांडेड था मेरे चैनल पे। सब कह रहे थे यार बाकी गाड़ियों को जैसे आप मॉडिफाई करते हो, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवाते हो, इस गाड़ी में भी करवाओ, ये भी डिजर्व करती है, स्टॉक पावर है अच्छी, लेकिन करके दिखाओ इसको। तो फिर बस अब इसको लेके जा रहे हैं इसका स्टेज वन करवाने के लिए, और ये इसके एपिसोड सीरीज में तीसरा एपिसोड होगा मेरे हिसाब से। मैं अब काउंट तो नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ मोस्ट लाइकली तीसरा एपिसोड ही होगा। हम इसको लेके जाने वाले हैं वहीं पे जहाँ से हमने पहले अपनी गाड़ियाँ रीमैप करवाई हैं, विच इज GT ट्यूनर्स। गाड़ी लेके जा रहे हैं, एग्जॉस्ट तो लगा ही हुआ है गाड़ी के अंदर, मैकेनिकली हल्का सा चेंज हुआ पड़ा है, ज्यादा फर्क नहीं है परफॉर्मेंस में, लेकिन हाँ थोड़ा आता है। लेकिन अब फाइनली फुल ब्लोन स्टेज वन गाड़ी करवाने वाले हम, और बताऊंगा आपको कौन सा सॉफ्टवेयर से करवाएंगे, कोड 6 करवाएंगे, क्वांटम करवाएंगे, APR करवाएंगे, OEM प्लस करवाएंगे, जो भी होगा बताएंगे। जल्दी करवा रहे हैं गाड़ी स्टेज वन, और कल लेके चलते हैं फिर सीधा ड्रैग पे, और आपको दिखाएंगे परफॉर्मेंस कैसी आ रही है गाड़ी की। GT ट्यूनर्स में आ चुका हूँ, और यहाँ पे अभी हम अंदर बैठे हुए हैं, और अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं, और ये मेरे हिसाब से जो पहले इनकी शॉप थी वो नहीं है, डिफरेंट है ये। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था 4 साल हो चुके हैं उस चीज को, और 4 साल पहले मैं विंटो 1.2 ट्यून कराने के टाइम लास्ट आया था, उससे पहले ऑक्टेविया 1.8 के टाइम पे आया था। मैं अपने छोटे भाई को लेके आया हूँ आज, पहली बार देख रहा है भाई, ये देख लो भाई गाड़ियों में काम जैसा होता है, और गाड़ियां भी काफी अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। पिछली बार जब मैं आया था मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग रिकलेक्शन नहीं है कि कौन सी गाड़ी थी कौन नहीं थी, लेकिन हमारी गाड़ी पीछे लगी हुई है, और यहाँ पे अभी ऑडी A4 जो बाहर खड़ी हुई है इसका कुछ काम हो रहा है, ये कम्प्लीट होगा इसके बाद हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट होगा। और तब तक मैं आपको यहाँ की गाड़ियाँ दिखा देता हूँ, जो काफी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आई हुई हैं सारी दिखाता हूँ आपको। A4 खड़ी है, ये 3 सीरीज खड़ी हुई है, एक यहाँ पे Mark 1 ऑक्टेविया कॉम्बी खड़ी है, जो की गाड़ी भाई बहुत ही रेयर है इंडिया में देखने के लिए। एक वहाँ पे VRS खड़ी हुई है जो मेरे को दिख रही है, उसके अलावा ये कॉम्बी एक बार आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से। तो बेसिकली जिन जिनको नहीं पता, कॉम्बी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि एस्टेट थी वो, और लास्ट में एस्टेट तो ऑब्वियसली बूट बड़ा करने के लिए और हेडरूम बेटर होती, तो यहाँ से कर्व था, ये एक सेडान की तरह नहीं था, स्लोपिंग नहीं था। फिर एक C63 AMG खड़ी है जो कि V8 बाय टर्बो के साथ आती थी। फिर एक यहाँ पे C क्लास खड़ी है, अभी ये भी देखना पड़ेगा कौन सी है, पुरानी जनरेशन है ये भी काफ़ी, स्प्लिट LEDs वाली है जो पहले आती थी, जिसको आपने देखा होगा कि सलमान खान ने पार्टनर मूवी में चलाई थी ये गाड़ी। यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और साथ में एक M3 खड़ी हुई है, और ये प्रॉपर M3 है, M340i नहीं, M3 है ये, और 2 डोर है ऑब्वियसली, असली M3 है। तो यहाँ पे A4 खड़ी हुई है, इसका भी अभी रीमैप हुआ है। फिर साथ में ग्रैंड चेरोकी खड़ी है, और एक ऑडी TT खड़ी है ऑब्वियसली, ये भी ट्यून्ड ही होगी गाड़ी, स्टॉक नहीं होगी। और लास्ट में वहाँ एक एस्टन मार्टिन भी खड़ी हुई है। गाइज़ अभी गाड़ी के काम की बात करते हैं, तो फाइनली हमारी गाड़ी का जो है गाड़ी पूरी स्कैन हो चुकी है, और पूरे स्कैन करने के बाद आउटपुट यही आई है कि गाड़ी के एयर फिल्टर के थ्रू एयर फ्लो थोड़ा कम है, और एयर फ्लो कम है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें एयर फिल्टर अपग्रेड करना पड़ेगा गाड़ी का। लेकिन स्टेज वन के लिए कोई इशू नहीं है, स्टेज वन कर सकती है गाड़ी, रन कर सकती है मैप, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, पर हाँ बाद में चेंज करना ही पड़ेगा मेरे को। सेकेंडली मैं आपको दिखा देता हूँ कनेक्शन इनका जो होता है सारा, जैसे जो वाले डिवाइसेज होते हैं इनके थ्रू होते हैं, इसके थ्रू ही क्वांटम का है ये, और गाड़ी के यहाँ पे लगता है ये वायर कनेक्ट होती है गाड़ी के, यहाँ पे सारा कनेक्शन होता है, एस्टैब्लिश होता है सारा का सारा, लैपटॉप से कनेक्शन होता है, और एक बार ये यहाँ से कनेक्ट होता है उसके बाद लैपटॉप पे कनेक्ट होता है, फिर गाड़ी जो है उसका आप एक तरीके से कह सकते हो ECU अनलॉक हो जाता है, और ECU जब गाड़ी का अनलॉक होता है उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हो स्कैन में कोई दिक्कत है कि नहीं है। जैसे हमारी गाड़ी का हुआ, उसमें यही पता चला है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और मैंने बताई आपको एयर फिल्टर की। उसके बाद फिर जब ये स्कैन हो जाए, स्कैन होने के बाद हमें पता चल जाता है कि कोई इशू है कि नहीं है, और गाड़ी सेफ है कि नहीं है रीमैप रन करने के लिए। और जब गाड़ी का पता चल जाता है कि भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारी गाड़ी में कोई एरर नहीं है, और तो फिर हम रीमैप रन कर सकते हैं, गाड़ी इज़ गुड टू गो। तो स्टेज वन पे पावर फिगर जो एक्सपेक्टेड है एट द क्रैंक वो है 212 BHP और 310 Nm का टॉर्क, लेकिन व्हील पे आते आते ट्रांसमिशन के टाइम पे जो लॉस होता है 10% के आसपास पावर का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 190-200 के बीच, जो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर है फॉर अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार। अभी के लिए यही है, स्टेज टू जब कराना होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी गाड़ी में यही करा रहे हैं।
और फिर अभी बस वेट कर रहे हैं कि वो जल्दी से हो जाए, उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी को निकालते हैं, देखते हैं पावर कैसी आ रही है, कितनी आ रही है, कितना फील हो रहा है वो। जब ये सारा काम हो रहा होता है गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी लाइट्स आ जाती है और इनसे कोई डरने की बात नहीं होती क्योंकि एसी अनलॉक्ड होता है, इस वजह से आती हैं ये। जैसे अभी इसकी इंजन चेकलेट आई हुई है और ट्रैक्शन बैटरी और उस तरफ भी एक वार्निंग आई हुई, मेरे को दिख नहीं रही पर हाँ ये आती है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं होती, हर गाड़ी में आती है। वैसे हमारी गाड़ी जो है वो रीमैप हो चुकी है, अब इसका सॉफ्टवेयर जो है सारा अपडेट हो चुका है, चेंजेस होने थे ईसीयू में वो सारे हो चुके हैं, ओईएम प्लस का रीमैप है और अब सीधा गाड़ी को लेके चलते हैं, चला के देखते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस में फ़र्क फील हो रहा है और एक बार पेमेंट करते हैं फिर यहाँ से गाड़ी लेके हम जाएंगे बाहर। वैसे अभी हमारा फर्स्ट इंजन ऑन हुआ है आफ्टर गेटिंग इट रीमैप्ड और परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क फील होगा क्योंकि भाई अब गाड़ी बहुत तेज़ होने वाली है, अब सीधा 40 bhp ऊपर हो जाएगी स्टॉक से और अब मजा आएगा गाड़ी चलाने में। फाइनली GT ट्यूनर से निकल रहे हैं बाहर और गाड़ी को लेके चलते हैं और एक बार खींच के देखते हैं थोड़ा कितना फर्क आया परफॉर्मेंस में। तो गाइस अभी ये मेरा जो छोटा भाई है ये मेरे से आधा घंटा पहले निकल के कहता भैया मेरे को पार्क जाना है, मैं जा रहा हूँ घर, मेरे को आपने बहुत देर वेट करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, मैं जा रहा हूँ घर, अब मेरे को पार्क जाना है, मैं उबर बुक कर रहा हूँ। इसने उबर बुक करी, ये बंदा आधा घंटा वहीं खड़ा रह गया, बाहर ही खड़ा हुआ था, इसको अभी गाड़ी में बिठाया मैंने, इस बंदे को उबर वाले ने चूना लगा दिया। उबर वाले ने क्या क्या बताइयो आप ही बता दो भाई। इसको उबर वाले ने बोला भैया उबर के ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, राइड स्टार्टेड दिखा रहा है पर राइड स्टार्ट नहीं हुई है, आप ऐसा मत समझना कि राइड स्टार्ट हुई है। ये बंदा ठीक है, हाँ भैया ठीक है समझ गया आप आ रहे हो ना, उसने भी बोला हाँ आ रहा हूँ। राइड एंड हो गई, उबर भी नहीं आई और भाई के 350 rupees भी कट गए। बहुत बढ़िया भाई, यार मैंने ओटीपी भी नहीं बताया था। ओटीपी भी नहीं बताया? नहीं, फिर भी पैसे कट गए। हाँ। यार ये उबर गलत है, उबर इंडिया गलत है, दिस इज नॉट डन, दिस इज अनफेयर, जल्दी से रिपोर्ट कर दे भाई इसको। मैं भी इसको भाई प्लीज उबर को टैग करो, क्या कर रहे हैं, देख के भी बिना देखे जा रहे थे बैक, मैं टर्न पे खड़ा था बिल्कुल, जैसी गाड़ी में बैठा मैंने सोचा मैं उस टाइम में, इनफैक्ट वीडियो दिखी जाएगी, वीडियो में तू दिखा होगा पता है, तो मैं देख रहा था कि परफॉर्मेंस कैसी आई है। मैंने तो पहले सोचा भाग लूं गाड़ी के पीछे पर फिर सोचा ये तो स्टेशन हो क्या ही है, तो वैसे भाग के पकड़ लेता गाड़ी। तो अभी बस एक बार आपको और मैं दिखाता हूँ, 0-100 देखता हूँ, अभी कर पाता हूँ तो दिखा दूंगा, नहीं कर पाता तो फिर ब्लॉग एंड कर दूंगा। तो गाइस अभी एक बार एसी ऑफ करके दो लोग बैठे हैं, पुल करके देखते हैं भाई, फर्क तो लग रहा है, रेव थोड़ी फ्रीली हो रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्विक रेविंग हो गई है गाड़ी, लेकिन एक बार ढंग से खींचेंगे तभी पता चलेगा कि कितना फर्क आया है। और यही लग रहा है यार कि गाड़ी रेव अच्छे से हो रही है अब प्रॉपरली, तो तभी पता चलेगा जब ड्राइव करें अच्छी गाड़ी के साथ भगा के देखें, क्योंकि ऐसे तो गाड़ी चलाते हुए तो ड्राइवर को वैसे ही ज्यादा फर्क फील नहीं होता, मुझे तो खैर नहीं हो रहा ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हो सकता है हो इतना फर्क, लेकिन अभी इतनी देर अच्छे से खींच नहीं पा रहा। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि यार आप गाड़ी स्टेज वन कराओगे तो उससे गाड़ी की एवरेज कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, गाड़ी की इनफैक्ट एवरेज इम्प्रूव हो जाती है और वो इस वजह से इम्प्रूव होती है क्योंकि आपकी गाड़ी जो है टर्बो के नीचे कम फ्यूल कंज्यूम कर रही होती है, टर्बो लैग एक तरीके से आपका इंक्रीज हो जाता है और उसके नीचे आपको लगेगा कि पावर थोड़ी कम है, लेकिन जैसे ही टर्बो स्पूल अप होता है और एयर ज्यादा फ्लो होता है टर्बो के अंदर, उस चक्कर में फिर गाड़ी जो है वो ज्यादा तेज परफॉर्म करती है, ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, सारा फ्यूल इंजेक्शन और ये सारी चीजें कंपोनेंट्स होते हैं उन सब में चेंजेस आ जाते हैं, ऑल्टरेशन आ जाती है, इसलिए गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ती है और एवरेज भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अगर आप टर्बो के नीचे नीचे चला रहे हो सेडेटली सिटी के अंदर तो आपकी एवरेज बढ़ती है क्योंकि आपकी पावर नहीं है वहां पे, अब पावर सारी चली गई ऊपर, पावर ऊपर चली गई तो ऑटोमेटिकली एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज बस एक क्लैरिफाई करनी थी मेरे को जिनको लगता है कि एवरेज खराब हो जाती है स्टेज वन करवाने के बाद गाड़ी की। एक चीज बताना भूल गया था मैं आपको कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है और यूजुअली रीमैप्स की कॉस्ट कितनी होती है। तो बेसिकली जो मैंने करवाया वो रीमैप मेरे को 26,000 का पड़ा है और अगर आप जैसे APR जैसी कंपनीज का कराओ, जैसे अमेरिकन कंपनी है APR, तो वो पड़ता है 50,000 rupees का, तो आपको 25,000 to 50,000 के बीच के आसपास के मिलते हैं रीमैप्स जितने भी होते हैं, 20 मान लो, 20 से 50 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि आप गाड़ी कौन सी चला रहे हो, कौन से इंजन है, कौन सी कंपनी से करवा रहे हो, क्योंकि जैसे APR US की कंपनी है उनकी R&D कॉस्ट ज्यादा होती है, R&D ज्यादा महंगी होती है उनकी, तो इस वजह से ऑब्वियसली उनका रीमैप भी महंगा होगा। मैंने GT ट्यूनर्स की जो उन्होंने रीमैप बनाया वो करवाया तो ऑब्वियसली वो सस्ता पड़ेगा मेरे को, इंडियन रीमैप है, खुद उन्होंने बनाया, खुद ही इंस्टॉल किया, तो ऑब्वियसली उसके अंदर चार्जेस कम हो जाते हैं, इसलिए 26,000 का पड़ा है मेरे को ये रीमैप।
ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार, मैं कितना ही कोशिश कर लूं गाड़ी खींच ही नहीं पा रहा, स्पेस ही नहीं मिल रही गाड़ी खींच के भगाने की, तो पता ही नहीं चल रहा कि परफॉर्मेंस में कितना फर्क है कितना नहीं है। होना तो 25% के आसपास चाहिए था, मतलब हुआ ही होगा। 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, ट्रैफिक आज स्टार्ट भी होने वाले हैं और स्कोप नहीं दिख रहा कहीं गाड़ी भगाने का। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड कर देता हूँ। ड्रैग्स में आपको दिखे जाएगा भाई कि गाड़ी किस हिसाब से भाग रही है, और कल जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रैग्स हैं वो सारी भी दिख जाएंगे, तो उनमें पता चल जाएगा आपको गाड़ी कैसी भाग रही है अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर वीडियो। बाय।